What's up my fellow gamers, this is MSK here and welcome to Minecraft Bedrock Edition. तो आज हम बनाने वाले हैं ये है ऑटोमेटिक विलेजर क्रॉप फार्म, मतलब के जो हर बार अपने को क्रॉप्स प्लांट करने पड़ते हैं और उनको हार्वेस्ट करना पड़ता है, उससे अच्छा कोई और हमारे लिए करे, जैसे कि NPC हमारे लिए करे. तो दैट्स वाई आज मैं आपको ये बताऊंगा. तो ये असल में क्रॉप फार्म है, तो क्या होगा कि जो भी ये कैरेट्स है वो ये जो विलेजर है वो उठाएगा और वापस रीप्लांट करेगा, उठाएगा रीप्लांट करेगा और अपनी इन्वेंट्री फुल कर देगा. उसके बाद जैसी इन्वेंट्री उसकी फुल हो जाएगी और हम टाइम को नाइट कर देंगे तो विलेजर ऑब्वियसली सोने चले जाएगा और इसके सब के सब जो कैरेट्स है वो यहाँ से जाएंगे और वो सब के सब कैरेट्स इस चेस्ट में चलेंगे, इस चेस्ट में जाएंगे. ओके, और ये इन्फाइनाइटली होते रहेगा, जैसे कि क्योंकि उसकी इन्वेंट्री फुल है ना, तो ये इन्फाइनाइटली होते रहेगा और ये एक दो कैरेट्स जो बचे वो उठाएगा और वापस से रिप्लांट करेगा. और इससे होगा क्या, आपको इन्फाइनाइटली कैरेट्स या फिर जो भी आपको फार्म करना है चीज़ें वो इन्फाइनाइटली आपको मिलती जाएंगी मिलती जाएंगी मिलती जाएंगी. बस अब वापस से टाइम हम डे कर देते तब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसका कि ये गोल गोल घूमता है, बट दैट वही है कि अब ये उठाएगा और वापस से सब चीज़ें रीप्लांट करेगा. थोड़ा वक्त लगेगा उसको पैथ फाइंड करने के लिए. हाँ, अभी पैथ फाइंड किया और वो वापस से रीप्लांट करेगा और वो पूरी इस जगह को रीप्लांट करेगा थोड़ी थोड़ी देर में. तो मैं बस अब आपको इसका ट्यूटोरियल बताऊंगा कि इसको कैसे करते हैं. तो आपको क्या करना है, पहले ग्लास लेना है. अगर आपको इसे ग्लास से बनाना है तो आप बना सकते हो, नहीं बनाना है तो आप नहीं भी बना सकते हो. आपको ग्लास लेना है और यहाँ पर रखना है. आप इसको आप एक विलेजर के लिए 16x16 का एरिया यूज़ कर सकते हो, बट ये बात याद रखना कि वाटर कितने ब्लॉक्स तक फ्लो करता है, वाटर की फ्लो लिमिट कितनी है वो याद रखना, वरना प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए. तो मैं पहले ये बना लेता हूँ यहाँ पर ऐसे ग्लास का बॉक्स. पहले ग्लास का ब्लॉक्स बॉक्स बना लेता हूँ मैं. और आप देखना आपकी वाटर की फ्लो लिमिट कितनी है. तो मैं अभी यहाँ पर जाकर वाटर ले लेता हूँ और बस यहाँ पर मैं एक ब्लॉक बस प्लेस कर दूंगा और इतना ही है. तो अपने हम इससे ज़्यादा नहीं बना सकते. आप इसे इस डायरेक्शन में कितना भी मूव कर सकते हो इस डायरेक्शन में, बट जहाँ से आप वाटर डाल रहे हो, जैसे अब मैंने वाटर यहाँ से डाला है तो आप यहाँ तक ही रख सकते हो, आप इससे ज़्यादा नहीं जा सकते आप दूर. तो दैट्स अ थिंग. मैं पहले ये बॉक्स बना लूँ. और यहाँ पर आपको दो ही ब्लॉक्स लगाने हैं. दो ही ब्लॉक्स लगाने हैं आपको यहाँ पर और यहाँ से पूरा ये हटा देना है. और मैं अभी के लिए तो इस पानी को बंद कर देता हूँ और इस ग्लास को हटा देता हूँ. और जैसे ही ये हो गया तो आपको आपको अभी ये करना है कि आपको यहाँ से एक स्मूथ स्टोन का ये लेना है और फिर यहाँ पर आपको ये लगाते जाना है यहाँ तक. ओके, उसके बाद क्या करना है आपको कि अब आपको ये जो है वो कलेक्टिंग सिस्टम बनाना है. तो मैं पहले वो भी बना लेता हूँ कलेक्टिंग सिस्टम. उसके लिए आपको यहाँ से ये करना है, दो ब्लॉक्स ऐसे तोड़ने हैं, फिर यहाँ से आपको तोड़ना है, फिर यहाँ पर आपको एक चेस्ट लगानी है, फिर शिफ्ट होकर उस चेस्ट पे हॉपर लगाना है वैसे, और यहाँ पर आपको एक ब्लॉक लगा देना है ऐसे, और यहाँ से आपको ये ब्लॉक हटा देना है. इससे क्या होगा कि आपको चेस्ट का एक्सेस मिल जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली यहाँ पर ऐसे. और यहाँ पर एक सॉलिड ब्लॉक लगा दीजिए आप. उसके बाद आपको क्या करना है, वाटर बकेट लेनी है, वाटर बकेट लेनी है और आपको यहाँ पर
डाल देनी है। उससे क्या होगा, ये पूरी वाटर बकेट यहाँ तक आ जाएगी और ये हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक होल लेना है, कौन सा भी चलेगा, मैं क्रिएटिव में हूँ इसलिए मैं डायमंड वाला दे रहा हूँ, कोई तो बड़ी बात नहीं है, आप कौन सा भी हो यूज़ कर सकते हो। और आपको यहाँ पर डर्ट लेनी है और बस इस डर्ट को यहाँ पर रखना है, और इस हो को चलाने से पहले आपको वाटर बकेट लेनी है और यहाँ पर एक पानी डालना है, और ये जो है यहाँ पर एक पानी डालना है बस। और अब ये आप हो कर सकते हो, आप हो कर सकते हो, आप बस स्पैम कर दीजिए हो, इतना ही कर रहा हूँ मैं तो स्पैम कर रहा हूँ, आप स्पैम कर सकते हो। और फिर आपको क्या करना है कि अब आपको कलेक्शन से ये बनाना है, ये उसका बेड, और उसके लिए कंपोस्टर, ऑब्वियसली विलेजर है तो उसको बेड और उसका वर्क स्टेशन चाहिए, तो हम वर्क स्टेशन के लिए ऑब्वियसली कंपोस्टर रखेंगे तो वो फार्मर बनेगा। और उसके बाद अपने को एक ये चाहिए ऑब्वियसली ऐसे, और उसके बाद अपने को ये सिस्टम बनाना है। ये क्या होगा, जैसी नाइट होगी तो ये ट्रिगर होगा एक बार, और जैसे ही डे होगा ये वापस ट्रिगर होगा, तो ये ऑन और ऑफ हो जाएगा जब तक विलेजर सो रहा है तब तक। तो हम ये सिस्टम को बनाने के लिए ऑब्वियसली सॉलिड ब्लॉक्स चाहिए आपको, और आपको अपने डिस्पेंसर्स कहाँ पर रखने वो देखिए। तो मैं रखने वाला हूँ यहाँ पर एक डिस्पेंसर, यहाँ पर एक डिस्पेंसर, और यहाँ पर एक डिस्पेंसर, और आपको बस ऐसे करना है। और फिर यहाँ पर रेडस्टोन डस्ट डाल देनी है, यहाँ पर एक रिपीटर डालना है, फिर एक ऑब्जर्वर, ये सॉरी हाँ वही, यहाँ पर एक रिपीटर, मैंने गलती से निकल तोड़ दिया मैंने उसको, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर, उसके बाद वापस से एक ब्लॉक, वापस से एक रिपीटर, फिर एक ये ऐसे डे लाइट सेंसर नाइट मोड पे। और उसके बाद अब यहाँ पर आपको वाटर बकेट्स डाल देनी है, यहाँ पर आपको तीन वाटर बकेट्स डालनी है, तीन, तीन वाटर बकेट्स डाल देनी है आपको, और बस हो गया। अब आपको एक विलेजर लाना है जो कि मैं स्पॉन करने वाला हूँ। असल में देखा जाए तो आप ऑब्वियसली किसी भी जॉम्बी विलेजर को ये कर सकते हो, बट मैं विलेजर ही स्पॉन करने वाला हूँ बस एक। ओह थैंक्स, ऑब्वियसली आपको एक बड़ा वाला विलेजर चाहिए, बड़ा वाला विलेजर, दैट साउंडेड रॉन्ग, आपको एक विलेजर चाहिए, बेबी विलेजर नहीं चाहिए आपको। और बस ये हो गया। और अब आपको कोई भी उसको क्रॉप पकड़ा देना है, जैसे कि अगर आपको वीट चाहिए यहाँ पर, अगर आपको वीट चाहिए, इनमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ऑब्वियसली आप एप्पल्स यूज़ नहीं कर सकते या फिर कोई भी चीज़ नहीं यूज़ कर सकते आप, आपको ये वीट, बीट रूट और कैरेट्स वो सब यूज़ कर सकते हो, जो कि आप फार्म कर सकते हो। तो आपको बस यहाँ पर ऐसे करना है और थोड़े बहुत उसको कैरेट्स देने, और जैसे ही कैरेट्स अपने आप ग्रो हो जाएंगे वो कलेक्ट करेगा और वापस से रीप्लांट करना शुरू कर देगा। वो कलेक्ट, हाँ देखो वो कलेक्ट करेगा, अपने वर्क स्टेशन पे जाएगा, रीप्लांट करेगा, और फिर जैसे ही उसकी इन्वेंट्री फुल हो जाएगी तो वो रीप्लांट करना छोड़ देगा, रीप्लांट करना छोड़ देगा, रीप्लांट करना छोड़ देगा। तो हाँ वो, और ये पूरी फसल भर जाएगी जैसे पहले भरी थी, जैसे कि यहाँ पर भरी थी। तो क्या होगा, जैसे हम लोगों ने ये पूरी हटा दी ना, तो वो अपनी इन्वेंट्री से वापस से रीप्लांट करेगा। तो उसकी इन्वेंट्री असल में हम ऐसे यूज़ करेंगे जैसे कि साइलो रहता है ना, जैसे कि हम उसमें सब चीज़ें स्टोर करके रखते हैं,
वैसे एक स्टोरिंग कंटेनर की तरह, कि अगर एक्सेस ये हुआ तो और जैसी ही नाइट होगी ये ड्रॉ डिस्पेंसर्स अपना ब्लॉ ये कर देंगे, जैसे कि अभी मैं करता हूँ स्लैश टाइम सेट नाइट, और वो जैसी अपने को यहाँ पर डिले भी देना है, ये बात याद रखना, क्योंकि फिर विलेजर वहाँ वहाँ तक जा नहीं पाएगा, समझे? तो उसका मैं करता हूँ एक सेकेंड, ये ड्रॉपर्स नहीं डिस्पेंसर, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है पता है? यहाँ पर है ना वो इनफाइनाइट ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है ना वो दो ब्लॉक्स लगा देना है, जैसे कि ऐसे और ऐसे, और उसके ऊपर भी ऐसे दो ब्लॉक्स रख देने हैं, जिसकी वजह से वो इनफाइनाइट ब्लॉक्स नहीं बन सकते वाटर के। और अब जैसी ये होगा, जैसी स्लैश टाइम सेट मिडनाइट होगी, सॉरी नाइट ही थी, डे होगा, वो उठेगा और अरे ये ऑब्जर्वर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, आपको वैसे ही लगाना है, बस ठीक तरह से लगाना, जैसे कि ये आप पहले ऑब्जर्वर को लास्ट में लगाना, ये बात याद रखना, ऑब्जर्वर को सबसे लास्ट में लगाना, और यहाँ पर डिले डाल दो आप, फिर ऑब्जर्वर को लगाओ, क्योंकि ये ऑब्जर्वर जैसी प्लेस किया वैसे ही रेडस्टोन आउटपुट दे देता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और वैसे भी अगले अपडेट में माइनक्राफ्ट के वो बग फिक्स हो जाएगा, वैसे वो बग नहीं है बट फिर भी वो फिक्स हो जाएगा। तो जैसे ही अब टाइम सेट नाइट होती है, विलेजर अपने बेड पे चल देगा और ये शुरू हो जाएगा, और जैसे ही टाइम सेट डे होगा विलेजर उठ जाएगा और ये बंद हो जाएगा, और आप अपने को इनफाइनाइट चीज़ें मिलती जाएंगी, मतलब इनफाइनाइट कैरेट्स पोटैटोज जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर एक ग्लास ब्रॉक रखी, और आपको वो सब चीज़ें मिलती जाएंगी, और ये वर्क करते रहेगा, और क्योंकि ये ऑटोमेटिक फार्म है तो ये बिल्कुल भी वर्क करते रहेगा। और इस फार्म के ऊपर एक रूफ बना देना और टॉर्चेस लगा देना, क्योंकि अगर लाइटनिंग स्ट्राइक हुई तो ये जो विलेजर है वो विच में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके लिए इसके ऊपर रूफ बनाना अगर आप बाहर ये कर रहे हो। मैं भी क्रिएटिव मोड में हूँ तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रात तो होने नहीं वाली, क्योंकि ये फ्लैट लैंड है इसलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग, एज ऑलवेज दिस इज MSK, आई विल सी यू इन फ्यूचर, बाय। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको पिस्टन डोज बताऊंगा, ये सबके सब पिस्टन डोज मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, बाय।